बेटा कल आपके 4 क्वेश्चन हो गए थे, अब आ रहे 5th क्वेश्चन जो है वो, पंजाब में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होने के क्या कारण है? पंजाब गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर आता है, मतलब पंजाब का गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। परंतु प्रति हेक्टेयर गेहूँ की उपज एवं केंद्रीय भंडार को गेहूँ देने में इस राज्य का प्रथम स्थान है, अब इसके अधिक होने के क्या कारण है? पंजाब में गेहूं की खेती बहुत ही विस्तृत होता है, काफ़ी जो है वो विशाल आधार पर की जाती है। यहाँ के किसान इसे पर व्यवसायिक होता है प्रोफेशनल, मतलब जिसको हम बेचने के लिए जो है वो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं चीज़ को, फसल के रूप में पैदा करते हैं। पंजाब के किसानों को अच्छी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, सिंचाई पता ही आपको आर्टिफिशियल जो है वो पानी देने की प्रक्रिया। यहाँ उगाई जाने वाली गेहूं का झाड़ अधिक होता है। तेजी से हो रहे मशीनीकरण के कारण भी पंजाब में प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि हुई है। ये थे बेटे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अब आ रही आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपको मैं एक एक बार समझा देती हूँ और आपने अपनी कॉपी पे नोट करनी है। खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली फसलों के नाम बताओ। खरीफ के मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, पटसन तथा कपास। आपने देखा ये जैसे मई जून में इनको जो है वो बोते हैं। रबी के मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती हैं? रबी के मौसम में गेहूं, जौ, चना, सरसों और तोरियां आदि फसलें बोई जाती हैं। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक भूमि को पोषक तत्व देने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं, मतलब भूमि को क्या करना, फर्टिलाइज करना, इसलिए वो उसको हम क्या बोलते हैं, उर्वरक। हरी खाद में क्या आता है? हरी खाद पेड़ पौधों के पत्तों के गलने सड़ने से बनती है, ये मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाती है, मतलब मिट्टी को उपजाऊ करती है। दुधारू पशु कौन से होते हैं? ये आपको कल भी बताया था, जो हमें दूध देते हैं उनको दुधारू पशु बोलते हैं। कौन से होते हैं वो आपको पता ही है। प्रतिभूमि जिसे कहते हैं, प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिसमें 2 या 3 वर्षों में केवल एक ही फसल उगाई जाती है और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, भूमि को खाली। देश के कितने प्रतिशत भारत में वन पाए जाते हैं? देश के 22.7% भारत में वन पाए जाते हैं। और देश के कितने प्रतिशत भारत पर वन होना जरूरी है? तो वो हमारे आते हैं 33%। पंजाब में वन क्षेत्रफल कितना है? पंजाब में 5.7% भूभाग पर केवल वन है। तो बेटे आपने कॉपी पे लिखने हैं और साथ में याद भी करने हैं। थैंक यू बेटा।